हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पायल लेके आई हूँ आज 10 खबरें फटाफट। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हमारी आज की हेडलाइंस। मनीष सिसोदिया का मोदी पर बड़ा आरोप, भारत बायोटेक ने दिल्ली को वैक्सीन देने से किया मना। देश के इस राज्य में लगा इमरजेंसी कर्फ्यू और सख्त लॉकडाउन, जाने किन को मिलेगी छूट। जल्द बच्चों को भी लग सकेगा कोरोना का टीका, भारत बायोटेक को मिली मंजूरी। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से दान में ली ऐसी चीज कि लोग बोले शर्म करो। अगले 3 दिनों में भारत सरकार राज्यों को देगी 7 लाख से ज्यादा कोरोना वैक्सीन। बिना मास्क वालों को अनोखी सजा, पुलिस ने मुर्गा और मेंढक बनाकर सड़क पर दौड़ाया। बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया में दिया जा सकता है पबजी मोबाइल का ये पॉपुलर मैप। 1080 घंटे तक चलेगी जियोमी की मच्छर भगाने वाली मशीन, फोन से हो जाएगी कनेक्ट। देश में कोरोना संक्रमण का कहर अभी थमा नहीं है, हर दिन मौत का आंकड़ा रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 3,48,421 नए कोरोना केस आए और 4,205 संक्रमितों की जान चली गई है। हालांकि 3,55,338 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। बीते दिन 24,46,674 टीके लगाए गए, वहीं अब तक करीब 30.75 करोड़ टेस्ट किए जा चुके हैं। देश में आज कोरोना की ताजा स्थिति, कुल कोरोना केस 2,33,40,938, कुल डिस्चार्ज 1,93,42,642, कुल एक्टिव केसेस 37,04,99, कुल मौतें 2,54,197 हुई है। राजधानी में कोरोना टीकाकरण अभियान के बीच वैक्सीन डोज की कमी को लेकर आज दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। सिसोदिया ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार के निर्देश पर ही दिल्ली को मिलने वाली कोवैक्सीन की डोज की सप्लाई रोक दी गई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने 1,34,00,000 वैक्सीन की डिमांड की थी, लेकिन भारत बायोटेक की तरफ से हम आगे सप्लाई नहीं कर पाएंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों को कंट्रोल में करने के लिए असम में आज से लॉकडाउन को और सख्त कर दिया जाएगा। इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से सूचना जारी कर दी गई है। राज्य सरकार की ओर से जारी नए आदेश के मुताबिक साप्ताहिक बाजारों को अगले 15 दिनों के लिए बंद रखा गया है। सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक सभी दुकानें दोपहर 1 बजे तक ही खुलेंगी। हालांकि सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक फूड डिलीवरी, ई कॉमर्स, दवाइयां, हॉस्पिटल समेत प्रतिष्ठानों को बंदी से राहत दी गई है। अमेरिका और चीन में ठनी हुई है, ऐसा लग रहा है कि कहीं दोनों देशों के बीच जंग ना हो जाए। वहीं 2020 में भारत और चीन के बीच तनाव जैसे हालात थे, आशंका थी कि कहीं जंग ना हो जाए। इसी बीच कोरोना दस्तक देता है और पूरी दुनिया में कहर बरपाने लगता है। चीन का मकसद दुश्मनों के मेडिकल फैसिलिटी और अर्थव्यवस्था को तहश नहश कर देना है, ताकि दुश्मन खुद उसके आगे घुटना टेक दे, और ऐसा भी हो रहा है। खुले तौर पर चीन के 2 दुश्मन हैं, अमेरिका और भारत। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की तबाही जारी है, जिसमें सबसे अधिक बच्चों के संक्रमित होने की आशंका जताई गई है। इसे देखते हुए बड़ा कदम उठाया गया है। एक विशेषज्ञ समिति ने मंगलवार को 2 से 18 आयु वर्ग के लिए भारत बायोटेक के कोविड वैक्सीन के दूसरे तीसरे चरण के लिए परीक्षण की सिफारिश की थी, जिसे भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है। ये परीक्षण दिल्ली व पटना के एम्स और नागपुर स्थित मेडिट्रीना चिकित्सक विज्ञान संस्थान समेत विभिन्न संस्थानों में किया जाएगा। देश में कोरोना की दूसरी लहर के चलते प्रतिदिन लाखों की संख्या में मामले सामने आ रहे हैं। वहीं हजारों लोगों की रोजाना तौर पर
मौत हो रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने की कोशिश में जुटी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार भारत सरकार अब तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 18 करोड़ से अधिक वैक्सीन की खुराक दे चुका है। वहीं अगले 3 दिनों में 7 लाख से अधिक खुराक राज्यों को दी जानी है। झारखंड के धनबाद जिले में कोरोना संक्रमण के मरीज प्रत्येक दिन बढ़ रहे हैं। इसके बावजूद लोग जानलेवा संक्रमण के प्रति गंभीर नहीं दिख रहे। रोजाना बिना मास्क के सैकड़ों लोग बेधड़क सड़कों पर घूमने निकल जाते हैं। अब मास्क नहीं पहनने वाले लोगों पर पुलिस सख्ती से कार्रवाई कर रही है। बिना मास्क के सड़कों पर घूमने वाले दर्जनों लोगों को पुलिस ने पकड़कर दंड के रूप में मुर्गा और मेंढक बनाकर सड़कों पर दौड़ाया। चीनी स्मार्टफोन कंपनी Xiaomi एक ट्वीट को लेकर चर्चा में है। दरअसल कंपनी ने बिल गेट्स को लेकर एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट में बिल और मेलिंडा गेट्स के डिवोर्स को एक स्मार्टफोन के प्रमोशन के लिए यूज किया गया है। इस ट्वीट से कंट्रोवर्सी होगी क्योंकि ये बिल गेट्स का पर्सनल मामला है। इस तरह से कोई कंपनी किसी को पर्सनल टारगेट कर रही है तो ये विवाद वाली बात है। पबजी मोबाइल का नया वर्जन बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया भारत में जल्द ही लॉन्च होने वाला है। बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के पोस्टर और टीजर को भी कंपनी की ओर से जारी कर दिया गया है। इस पोस्टर में दिखाया जा रहा मैप पबजी मोबाइल के शेनहॉक का बाइट एंड लोकेशन लग रहा है। शेनहॉक मैप पबजी मोबाइल का सबसे छोटा मैप है। इस मैप को जंगल और 3 आइलैंड के साथ बनाया गया है। Xiaomi अपने स्मार्टफोन के लिए जाना जाता है और अब कंपनी ने एक खास मशीन को लॉन्च किया है। ये मशीन मच्छर भगाने के काम आएगी। Xiaomi ने इस मशीन को पिछले साल लॉन्च किया था, जिसका अब नया वर्जन Mizuya Smart Mosquito Repellent 2 लॉन्च किया गया है। गिज्मो चाइना की रिपोर्ट के अनुसार ये मच्छर भगाने वाली मशीन का नया वर्जन ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और ZOAL वॉइस कंट्रोल के साथ आता है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इन 10 बड़ी खबरों के बारे में कमेंट सेक्शन में लिख के हमें जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।